Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 10th of May 2020 and we shall be seeing near about 7 articles from the Hindu and 1 article from the Indian Express. To start our day, the Hindu has provided us with a touching quote and it says, all it took was a microscopic organism to make us more human. So you can definitely use this quote in your essays. Moving on to the first page of the Hindu now, here we have, police get a guide to detect fake news. Bureau of Police Research and Development, that is BPRD. This is a think tank which works under the Ministry of Home Affairs. BPRD ने कुछ guidelines issue करी हैं to control the fake news and hatred. तो ये guidelines law enforcing authorities को apply होती हैं, but guidelines are general in nature. तो आप इन guidelines का use in general भी कर सकते हैं for बिकॉज फेक न्यूज जैसे हम येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं आज की डेट में, इट इज एन इमर्जिंग कंसर्न. तो इस पे और इसके अराउंड काफी ज्यादा क्वेश्चंस डेवलप होने के चांसेस बनते हैं. तो यू शुड बी हैविंग सम कोर पॉइंट्स व्हिच यू कैन मेंशन इन योर आंसर्स और व्हिच यू कैन यूज इन योर इंटरव्यू. तो गाइडलाइंस को यहाँ पे ब्रीफली देखते हैं. पीपीआरडी ने लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज को कहा है कि वो फेक न्यूज की हेडलाइंस को पढ़ के उसको सही ना माने, बल्कि उसकी होल स्टोरी पढ़ें, उसके ऑथर के बारे में भी रिसर्च करें और ये जानने की कोशिश करें कि वो ऑथर रिलायबल है या नहीं. बीपीआरडी ने कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स भी मेंशन करी हैं जिनको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स दोनों रिसोर्ट कर सकते हैं व्हाइल असर्टेनिंग द वेरासिटी ऑफ सच फेक न्यूज. और बीपीआरडी ने ये भी रिकमेंड करा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि वो ओपन डोमेन टूल्स यूज करें. गूगल रिवर्स इमेज रिसर्च का भी वो यूज करने को वो रिकमेंड कर रहा है. सो यहाँ से हमें 2-3 पॉइंट्स मिलते हैं. फर्स्ट इज अबाउट द बीपीआरडी, सेकंड इज अबाउट द येलो जर्नलिज्म एंड थर्ड अबाउट फ्यू ऑफ द गाइडलाइंस मेंशनड आउट हियर. सो यू मस्ट मेक अ नोट ऑफ इट एंड ट्राई टू यूज देम इन योर आंसर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज ऑन पेज नंबर 5, कर्नाटका मुल्स रिलैक्सिंग सम की लेबर लॉस. कल ही हमने एक एडिटोरियल देखा था जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने लेबर लॉस को हाईली एग्जेम्प्ट कर दिया था. सो कर्नाटका इज द नेक्स्ट स्टेट टू फॉलो द सेम क्यू और उसने भी कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया है लेबर लॉस को एग्जेम्प्ट करना, जिसे कल एडिटोरियल ने क्रिटिसाइज करा था और ये कहा था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए बिकॉज लेबर्स की जो सर्विस कंडीशंस हैं वो स्ट्रिक्टली अडियर होनी चाहिए ताकि उनको और परेशानियां ना हो. तो इस आर्टिकल से बस हमें यही मिलता है कि बाकी स्टेट्स भी अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की तरह लेबर लॉस को एग्जेम्प्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं और वाया एन ऑर्डिनेंस रूट उसे इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लेने वाले हैं. मूविंग फर्दर नाउ, पेज नंबर 8, रो ओवर न्यू लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर. ये न्यूज कल हमने पीआईबी में स्टडी करी थी कि धारचूला से लिपुलेख की रोड को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द बीआरओ. तो इस न्यूज को पढ़ के नेपाल ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है एंड दे हैव अपोज्ड सच अ मूव ऑफ इंडिया. तो इसके पीछे रीजन बेसिकली काला पानी डिस्प्यूट है. काला पानी इशू इमर्ज्ड आफ्टर इंडिया रिलीज्ड न्यू पॉलिटिकल मैप आफ्टर द जेएनके ऑर्गेनाइजेशन. तो तब ये इशू इमर्ज हुआ था जब नेपाल ने काला पानी एरिया को हाईलाइट करते हुए ये कहा था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंडिया ऐसे अपना क्लेम नहीं कर सकती. तो काला पानी की ब्रीफिंग में थोड़ी सी आपको दे देता हूँ. काला पानी एक बहुत स्मॉल एरिया है, इट्स नियर अबाउट 327 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड काला पानी एरिया इज सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना. तो जहाँ पे कल हमने लिपुलेख पास को लोकेट किया था वही एरिया जो है वो काला पानी एरिया है and it is very important strategically as well as from the cultural point of view. Strategic importance ये है कि वो help करता है इंडिया को चाइनीज मूवमेंट्स पे एक नज़र बनाए रखने में, और cultural importance ये है कि लिपुलेख पास जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा को facilitate करता है and it's the only route apart from the Nathula pass which is in the Sikkim which connects India to the कैलाश मानसरोवर. तो इसकी strategic और cultural दोनों importance है. अब ये काला पानी डिस्प्यूट है क्या बेसिकली वो हम जान लेते हैं. तो 1816 में नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सोगौली ट्रीटी साइन हुई थी और इस ट्रीटी में ये कहा गया था कि महाकाली रिवर जो कि काला पानी एरिया से फ्लो करती है वो बाउंड्री बनेगी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर दैट एरिया. अब प्रॉब्लम ये है कि महाकाली रिवर की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. तो नेपाल का ये कहना है कि जो वेस्ट वाली ट्रिब्यूटरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सपोज करें कि जैसे हम सपोज करें कि ये नेपाल है और अगर यहाँ से कुछ ट्रिब्यूटरीज जाके एक रिवर बनाती हैं जो कि महाकाली रिवर है। तो नेपाल का ये कहना है कि दिस द वेस्ट ट्रिब्यूटरी इज द ओरिजिनल रिवर, वेयर एज इंडिया का ये कहना है कि ये जो ट्रिब्यूटरी है ये ओरिजिनल रिवर है। तो ये जो बीच में एरिया फंस गया एंड दैट इज द काला पानी एरिया। 2014 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वर्कआउट किया था बाउंड्री इश्यूज पे, बट उसका कुछ कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं आया था। तो बाउंड्री डिस्प्यूट इज स्टिल अ पेंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, एंड व्हेन नेपाल सीज इंडिया यूनिलैटरली एक्टिंग एंड क्लेमिंग दैट टेरिटरी देन इट गेट्स ऑफेंडेड। तो वही हुआ है अभी। और इंडिया का ये कहना है कि हमने कोई नया इशू इमर्ज नहीं करा है, वो रोड वहाँ पे हिस्टोरिक है, बहुत टाइम से है, हमने सिर्फ उस रोड का रिकंस्ट्रक्शन करा है टू मेक इट प्लायबल। तो यहाँ पे इशू इमर्ज नहीं होना चाहिए और जो भी इशूज हैं वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू रिजॉल्व हो जाएंगे। सो द क्रक्स ऑफ दिस इशू इज काला पानी डिस्प्यूट विच यू मस्ट नो। Moving on to the next news, enable longer work hours CII to center। हम ये रिपीटेडली देख रहे हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो कि एक प्रेशर ग्रुप है CII, वो कंटिन्यूअसली सेंटर को काफी सारी रिकमेंडेशंस दे रहा है विद रिगार्ड्स टू द वेज एंड मींस टू बूस्ट द इकोनॉमी। और अभी CII की रिकमेंडेशंस ये हैं कि सेंटर शुड इशू अ गाइडलाइन एंड डायरेक्ट द वर्कर्स टू रीजॉइन द ड्यूटी, और अगर ऐसा नहीं करते हैं वर्कर्स सो दे मस्ट बी मेड लायबल फॉर एक्शन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। हालांकि ये एक्ट सबको पता होने जरूरी नहीं है, बट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज इजी टू रिमेम्बर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एक बार को। बाकी रिकमेंडेशंस जो CII ने सेंटर को दी हैं वो भी हम देख लेते हैं। दे आर विद रिस्पेक्ट टू दी मिनिमम वेजेस, CII ने बोला है कि मिनिमम वेजेस को एटलीस्ट 1 साल के लिए होल्ड पर डाल दो, कोई भी इंक्रीमेंट उसमें नहीं होगा। वर्किंग आवर्स जो है उनको एक्सटेंड कर दो, और जो ओवर टाइम है उनको ओवर टाइम बेसिस पे नहीं नॉर्मल आवर्स के बेसिस पे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करो। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, मतलब जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, उसको एक्सटेंड करने के लिए CII ने कहा है बिकॉज करेंटली इट अप्लाइज टू द एस्टैब्लिशमेंट्स व्हिच एम्प्लॉय अप टू 100 एम्प्लॉइज एंड 90% ऑफ द एम्प्लॉइज आर वर्किंग अंडर 15,000 पर मंथ वेज। तो इस कंडीशन को रिलैक्स करके और एक्सटेंड करने के लिए CII ने रिकमेंड करा है। इसके पहले हमने देखा था कि CII ने इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी थी, जहां CII का यह कहना था कि जो भी इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया हैं वहां पे रिस्ट्रिक्शंस को ईज डाउन किया जाए और वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को फंक्शन करने के मेजर्स लिए जाए बाय पंपिंग इन मोर मनी सो एज टू एंश्योर मोर एफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउट देयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ, सेज दैट सेल्फ फॉरेस्ट टॉर्टोइज हैबिटेट स्ट्रेचेस ओवर अनप्रोटेक्टेड एरियाज। रिसेंटली एक स्टडी हुई और उसमें यह पता चला कि जो सेल्फ फॉरेस्ट टॉर्टोइज हैं ऑल्दो दे are distributed over eastern and northern India, but they are not found in such areas. उस study में ये भी बात हुई कि 23 of the 29 species of freshwater turtle are under threatened category of the IUCN. तो 23 of the 29 फ्रेश वाटर स्पीशीज जो है टर्टल के और टॉर्टोइज के वो थ्रेटेंड हैं। सेल्फ फॉरेस्ट टॉर्टोइज जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और इट इज हेविली हंटेड फॉर फूड, फॉर डेकोरेटिव मास एंड फॉर द इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट द सेल्फ फॉरेस्ट टॉर्टोइज बिकॉज इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नॉर्थ ईस्ट में हैबिटेट जो थ्रेटन हुआ है उसके पीछे जुम कल्टीवेशन भी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे मेंशन किया है स्टडी ने कि जो वहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है जिसमें क्रॉप फील्ड्स को जला दिया जाता है, उससे टर्टल्स और टॉर्टोइज जो हैं वो भी अफेक्ट होते हैं एंड इट लिमिट्स देयर डिस्ट्रीब्यूशन। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो एनवायरमेंट में आप बाकी जगह भी यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी ट्रांसबाउंड्री रिसर्च। यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि जो ट्रांसबाउंड्री रिसर्च है दैट इज अ रिसर्च इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंट्रीज, इट हैज नॉट बीन पिक्ड अप एक्सेप्ट टाइगर्स। अगर हम टाइगर की बात करें तो ट्रांसबाउंड्री रिसर्च वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मानस है और सुंदरबन है। मानस में इंडो भूटान रीजन इन्वॉल्व है, सुंदरबन में इंडिया और बांग्लादेश दोनों इन्वॉल्व है, बट टाइगर के अलावा किसी भी और स्पीशी में ट्रांसबाउंड्री रिसर्च नहीं है। तो जिस भी स्पीशी पे हम रिसर्च करना चाहते हैं एक्सेप्ट द टाइगर, इट हैज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड नेचर जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ट्रांसबाउंड्री रिसर्च हैज नॉट बीन पिक्ड अप। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में अबाउट द सेल्फ फॉरेस्ट टॉर्टोइज एंड अबाउट द रेस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी related conservation measures. Moving further to the next news, FAQ पेज पे आज दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। द फर्स्ट इज दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द पीएम केयर्स फंड एंड द पीएम नेशनल रिलीफ फंड। तो यहाँ पे हम निटिग्रिटीज दोनों फंड्स की देख लेते हैं। इट सेज कि पीएम केयर्स फंड दैट इज द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, जो कि 28 ऑफ मार्च को सेटअप हुआ था टू कलेक्ट दी डोनेशन फॉर डिस्ट्रेस सिचुएशंस लाइक कोविड। तो इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो वॉलंटरी होती हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशंस होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अपने CSR ऑब्लिगेशंस को भी इस फंड में इन्वेस्ट करके पूरे कर सकते हैं, दैट इज दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस। तो अगर कोई कंपनी इसमें इन्वेस्ट करती है और उस अमाउंट को CSR में क्लेम करती है तो इट विल बी अप्रूव्ड। नेक्स्ट इज कि इसमें FCRA एक्ट को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसका मतलब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी अलाउड है पीएम केयर्स फंड में। And this is where the India has taken a U-turn from its earlier decision. India ने केरला फ्लड्स के टाइम पर रिफ्यूज कर दिया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बट इस वक्त इंडिया ने अलाउ कर दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन पीएम केयर्स फंड में। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली दैट द पीएम केयर्स फंड इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब हम थोड़ा सा PMNRF के बारे में देख लेते हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। सो दिस फंड वाज सेट अप इन 1948 फॉर द असिस्टेंस ऑफ पार्टीशन रिफ्यूजीज, बट ग्रेजुअली इसका पर्पस एक्सटेंड कर दिया गया एंड नाउ इट टेक्स केयर ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज, मेजर एक्सीडेंट्स, रायट्स, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड अदर्स। तो एसिड अटैक विक्टिम्स, मेजर एक्सीडेंट्स, इनको भी असिस्टेंस मिलता है फ्रॉम द PMNRF। ये आपको पता होना चाहिए। इनिशियली PMNRF को मैनेज एक कमेटी करती थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता था, बट सिंस 1985 प्राइम मिनिस्टर को इसका चेयरपर्सन बना दिया गया है एंड डिस्बर्सल ऑफ मनी फ्रॉम दिस फंड टोटली ऑन द सोल डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे दोनों फंड्स काफी सिमिलर हैं, पीएम केयर्स और PMNRF, की दोनों के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं और दोनों के पास सोल डिस्क्रिशनरी पावर है फॉर द फंड्स डिस्बर्सल। काफी लोगों ने क्वेश्चन करा था कि जब PMNRF फंड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो पीएम केयर्स फंड को अलग से आपने क्यों एस्टैब्लिश किया, क्योंकि PMNRF फंड में ऑलरेडी कुछ पैसा पड़ा था, नियर अबाउट 3800 करोड़ रुपीस। और हर स्टेट के CM के पास भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है। तो PM केयर्स फंड के आ जाने से जो डोनेशन है वो डायरेक्टली सेंटर के पास चली गई और स्टेट्स थ्रू देयर चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड ज्यादा डोनेशंस नहीं एक्यूमुलेट कर पाए। तो दे अगेन विल हैव टू डिपेंड अपॉन द सेंटर ओनली, और स्टेट्स के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस है। ये हमने लास्ट कुछ डेज में देखा है। सेकेंड, यहाँ पे एक कंसर्न ये भी आया कि रिलायंस और रेलवेज, ये दोनों ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है पीएम केयर्स फंड में, जबकि रिलायंस ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कट कर दी है और रेलवेज डेस्टिट्यूट माइग्रेंट वर्कर्स को फ्री में ट्रैवल नहीं करवा पा रहा है, लेकिन उन्होंने पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट करा है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाय सम ऑफ द क्रिटिक्स। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट रिलेटेड फीचर्स ऑफ द पीएम केयर्स फंड। यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि पीएम केयर्स फंड पे RTI एक्ट अप्लाई नहीं होता है और ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि CAG उसका ओवरसाइट करेगा या नहीं करेगा। सेकेंड, पीएम केयर्स का जो वेब पेज है वो अभी ओपेक है, वहाँ पे कोई भी ओपन इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने कितना फंड दिया, गवर्नमेंट ने कितना फंड यूटिलाइज कर लिया और टोटल फंड गवर्नमेंट के पास कितना कलेक्ट हुआ है। जबकि जो PMNRF का पोर्टल है वो एनुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द डोनेशन एंड एक्सपेंडिचर। लास्ट क्रिटिसिज्म इज विद रिगार्ड्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस डोनेटिंग टू द पीएम केयर्स फंड, स्पेशली अंडर द CSR ऑब्लिगेशंस, बिकॉज प्रीवियस गाइडलाइंस के हिसाब से CSR फंड्स को गवर्नमेंट स्कीम्स में यूज नहीं कर सकते हैं। और एक गवर्नमेंट पैनल ने इसके पहले PMNRF फंड में CSR फंड्स को डालने के लिए मना किया था, डबल बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है वहां से। ये दोनों रूल्स को बाईपास करते हुए पीएम केयर्स फंड में CSR फंड को अलाउ किया गया है और ऊपर से अनकैप्ड कॉर्पोरेट डोनेशंस अलाउ किए गए हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि उसमें कोई कितना भी फंड डाल सकता है। यहाँ हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और हमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने को बहुत अच्छे से मिलता है बिटवीन दी PM Cares Fund and the PMNRF Fund. So this is a must read for you guys. Second article is how can interstate workers be protected. कल ही हमने देखा था कि interstate migrants workmen act है 1979 का, उसके बारे में एक आर्टिकल आया था। तो ये आर्टिकल भी सेम एक्ट के ऊपर ही है। तो ब्रीफली हम देख लेते हैं इस एक्ट के कुछ की प्रोविजंस इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वर्कमैन एक्ट 1979 का मेन ऑब्जेक्टिव ये है रेगुलेट द माइग्रेंट्स कंडीशन ऑफ सर्विस। और इस एक्ट में ये मैंडेटरी है कि रजिस्ट्रेशन किया जाए हर उस माइग्रेंट का जो भी कॉन्ट्रैक्टर उनकी सर्विस यूज कर रहा है वो लाइसेंस्ड होना चाहिए। यू आर पेइंग डिफरेंट टू द माइग्रेंट एंड यू आर पेइंग डिफरेंट टू द। टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द एक्ट नाउ, द फर्स्ट वुड बी अकाउंटेबिलिटी बिकॉज इट क्रिएट्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल द contractors, establishments, and the state authorities to register and ensure the conditions of service as mentioned in the Act. Second benefit would be that this Act provides first step to the formalization because अगर एक बार registration हो गया तो वो government records में आ गए, उसके बाद it becomes easy to provide the social security services and also ensure the conditions under which the migrants are working. तो formalization का ये first step है। And the third benefit is कि ये हेल्प करता है इजी ट्रैक मेंटेन करने में। अगर इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट मैनर में हर स्टेट ने किया होता तो आज हमारे पास प्रॉपर डेटाबेस होता, सारे रिकॉर्ड्स होते कि कौन सा माइग्रेंट किस स्टेट में है, किस सेक्टर में है और किस कॉन्ट्रैक्टर या एस्टैब्लिशमेंट के अंडर वर्क कर रहा है। सो इट वुड हैव बीन मच इजियर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अथॉरिटीज टू लुक आफ्टर देम एंड केटर टू देयर नीड्स, बट ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज स्टेट्स ने इसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा। और अभी यूनियन गवर्नमेंट ने ये प्रपोज करा है कि वो सारे लेबर लॉज को 4 कोड्स में कंसोलिडेट कर देगा, जिसमें से एक कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019। इस कोड के अंदर ये एक्ट को भी मर्ज करने की बात करी गई है, जिसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स को सेपरेट चैप्टर में आप रखो, उसको आप इस कोड में मत मर्ज करो बिकॉज दे हैव डिफरेंट नीड्स। एंड केरला गवर्नमेंट ने माइग्रेंट्स को सेपरेट चैप्टर में ही इंक्लूड किया है, ना कि कोड्स में मर्ज किया है। With this article we are done with the Hindu of the day and now let's quickly see the article of the Indian Express. So here we have an article related to the demography, that is national infant mortality rate at 32, MP worst performer. रिसेंटली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम दैट इज CRS, जिसको आप एक सब बॉडी समझ सकते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, उसने एक स्टडी पब्लिश करी यूजिंग द डेटा ऑफ 2018। इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और थोड़ा सा उसके बारे में एनालिसिस है, वो हम ब्रीफली देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के रिगार्डिंग स्टडी ये बोलती है कि इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज IMR इज एट 32 एट प्रेजेंट। इंडिया का बर्थ रेट इस वक्त 20 है, बिहार का वर्स्ट बर्थ रेट है और सबसे कम बर्थ रेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का है। कमिंग ऑन टू द डेथ रेट नाउ, सबसे ज्यादा डेथ रेट छत्तीसगढ़ में है और सबसे कम डेथ रेट दिल्ली में है और जो इंडिया का डेथ रेट है वो 6.2 है। तो ये हो गए हमारे पास कुछ फैक्ट्स और जो थोड़ा सा एनालिसिस इसमें मेंशन्ड है वो हम देख लेते हैं। वो रूरल इंडिया में ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा नैरो हो गया है। बर्थ रेट इंडिया में पिछले 4 डेकेड्स में फ्रॉम 36 टू 20 आया है, तो यहाँ पे भी सब्सटेंशियल रिडक्शन देखने को मिलता है और दिस इज अ गुड थिंग कि रूरल अर्बन डिवाइड जो है वो नैरो डाउन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दी बर्थ रेट। सो यू कैन अपडेट योर फैक्ट्स रिलेटेड टू द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया फ्रॉम हियर एंड यूज देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। विद दिस आर्टिकल गाइस वी आर डन विद द डेली न्यूज नट्स ऑफ द डे। वी एक्सपेक्ट यू टू पोस्ट योर क्वेरीज, सजेशंस, डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।